हे अलवेलकम बैक वन से माईट्यूब क्लास का है मनजीत रावत यानलाइन इंस्ट्रक्टर अनदर सेसन ऑफ ई एस एक्स आई एट पॉइंट जीरो लेटेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है ऑलरेडी एट टू टेन वीडियो इसमें प्रोवाइड कर चुके हैं और अभी जो आज का एजेंडा है विच इज रियली इंपॉर्टेंट और इस पर्टिकुलर क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि हाउ कैन सेटअप नेटवर्क इन आवर ई एस एक्स आई एट पॉइंट जीरो दिस इज आर एजेंडा और इसमें हम कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे मीन्स अबाउट द प्री रिकट्स और प्रोसीजर क्या कहता है किस तरीके से हम अपने स्विचेस uh, को मैनेज करते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट उसके पहले अगर आप आग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको हंड्रेड लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए चलिए एजेंडा बिल्कुल क्लियर है लेट्स स्टार्ट आवर बी एम बे एट पॉइंट जीरो क्लास और यहाँ पे हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट नेटवर्किंग सो एज पर द नेम सजेस्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेटवर्किंग uh, की तो बेस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यू नो दैट कि अगर आपको बेस पे डिज़ाइन uh, करना है नेटवर्क को सो वट वी नीड टू डू बिकॉज बेस नेटवर्क में क्या होता है कि आपके पास सारी चीज़ें इन फ्रंट रहती है मेन्स आपको सभी हार्डवेयर में अवेलेबल हो जाते हैं स्विचेज हो गए केबल हो गए नेटवर्क कार्ड हो गए या फिर जो भी उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आज आर जे कनेक्टर वगैरह वो सब आपको फिजिकली अवेलेबल रहते हैं और सिर्फ आई पी एड्रेस आपको कॉन्फिगर करना होता है बाकी चीज़ें आप हार्डवेयर के थ्रू मैनेज कर लेते हैं बट यहीं पर अगर हम वी एम एयर नेटवर्किंग की बात करें या क्लाउड नेटवर्किंग की बात करें तो वी एम एयर नेटवर्किंग या क्लाउड नेटवर्किंग में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना जरूरी है क्योंकि इसमें कोई भी हार्डवेयर हमें नहीं मिलता जितनी भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म करते हैं या फिर जो लॉजिकल अपने पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा या इन्वेंट्री पे अवेलेबल रहेगा उसके थ्रू हम मैनेज करते हैं तो वी एम नेटवर्किंग में मैं आपको बिल्कुल बेस से गाइड करता हूँ कि आप वी एम नेटवर्किंग एक्सपर्ट बनने के लिए वीएमए नेटवर्किंग में सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है आना पहला अपने पास एक स्टैंडर्ड स्विच होगी जिसपे हम टास्क परफॉर्म करेंगे ठीक है और दूसरा अपने पास होगी डीवी स्विच जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल स्विच दोनों में डिफरेंस क्या है कई बार इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि व्हाट आर द गैप्स बिटवीन स्टैंडर्ड स्विच एंड डीवी स्विच सो वी शुड नो अबाउट टेक्निकली कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा तो इस क्लास में हम कोशिश करते हैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और अपने स्टैंडर्ड स्विच में क्या डिफरेंस है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ईस एक्स है और ये अपना सिंगल ई एस है स्टैंडर्ड स्विच को समझने के लिए हमने एक ई एस लगा रखा है और डी स्विच को समझने के लिए हमने यहाँ पे तीन अलग अलग ई एस होस्ट लगा रखे हैं ई एस होस्ट वन ई एस होस्ट टू ई एस होस्ट थ्री अब यहाँ पे बात करते हैं मान लीजिए स्टैंडर्ड स्विच अपने पास क्या है एक ही ई एस में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आपने तैयार कर रखी है ठीक है एक ही ई एस एक्सआई होस्ट में आपने मल्टीपल ये वर्चुअल मशीन अवेलेबल है और एज इट इज यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ईस एक्स आई है तो जाहिर सी बात है हर एक ई एस एक्स आई के पास कोई ना कोई वर्चुअल मशीन अवेलेबल रहेगी ना कुछ ना कुछ वर्चुअल मशीन यहाँ पे अवेलेबल है लाइक एज ई एस एक्स आई होस्ट वन में एक वर्चुअल मशीन ई एस एक्स आई टू में दो वर्चुअल मशीन ई एस एक्स आई थ्री में तीन वर्चुअल मशीन यहाँ पे अवेलेबल है तो अभी हमारा जो एजेंडा है वो है स्टैंडर्ड स्विच को कॉन्फिगर करना क्योंकि वी सेंटर सर्वर अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया तो डी स्विच क्या है वी सेंटर सर्वर का एक फ़ीचर्स है जिसके थ्रू आप अपने मल्टीपल ईस में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स की नेटवर्किंग को मैनेज करते हैं एंड अगर आपके पास सिंगल ई एस की नेटवर्किंग हैंडल करनी है तो उस केस में स्टैंडर्ड स्विच कैन हेल्प अस ठीक है कई सारी सर्विसेज कई सारे कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे स्टैंडर्ड स्विच के अंदर और ये अप्लीकेबल होता है आपके सिंगल ई एस एक्स आई के नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए और डीबी स्विच क्या होता है मल्टीपल ईस एक्स आई के होस्ट के बीच में मल्टीपल ईस एक्स आई में जो वर्चुअल मशीन अवेलेबल है उनकी नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए डीबी स्विच पिक्चर में आता है चलिए स्टैंडर्ड स्विच का एक डायग्राम एक समझने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड स्विच लुक लाइक दिस अभी मैं आपको जी ओ आई के थ्रू अपना ये प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा तो स्टैंडर्ड स्विच में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक कंपोनेंट यहां पे हो गया दूसरा कंपोनेंट हो गया नॉट कंपोनेंट आप सर्विसेज बोल सकते हैं ये कुछ डायग्राम के थ्रू हम कोशिश करते हैं समझने की यह जो ऑप्शन है इसको हम अपलिंक बोलते हैं और अपलिंक को ही हम फिजिकल एडाप्टर के नाम से जानते हैं ठीक है और दूसरी तरफ अपने पास जो है वह है वीएम नेटवर्क और यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शन है ये हमारा मैनेजमेंट नेटवर्क कहलाता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बी एम एडमिन ये हमें सब कुछ आना चाहिए वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ दीज कंपोनेंट्स कि अपलिंग का, का काम क्या है कभी इसका यूसेज होगा और साथ ही साथ वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ बी एम नेटवर्क एंड मैनेजमेंट नेटवर्क तो चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं इनका काम क्या है सो so बेसिकली इन दोनों को हम एज ए पोर्ट ग्रुप मानते हैं तो आप बोल सकते हैं दीज आल आर द पोर्ट ग्रुप्स आप मल्टीपल पोर्ट ग्रुप्स बना सकते हैं बट ये डिफॉल्ट पोर्ट ग्रुप होगा जब आप इस स्टैंडर्ड स्विच को लॉग इन करेंगे ओपन करेंगे उसकी सेटिंग्स को तो ये आपको डायग्राम बाय डिफॉल्ट दिखाई पड़ेगा चलिए ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे ई एस होस्ट हमारा ऑलरेडी हमने लॉग इन करा रखा है लेट मी सो यू ई एस एक्स होस्ट की जो आई एड्रेस है उसको हम डायरेक्टली अपने ब्राउजर पर पे पेस्ट करते हैं 192.168.1.7 ये हमारे ई एस एक्स आई होस्ट की आई पी एड्रेस है और यहाँ पे प्रोसीड टू अनसेप क्योंकि हमने एस एस एल सर्टिफिकेट अभी इंस्टॉल नहीं किया तो ज़ाहिर सी बात है हम डायरेक्टली इसको एक्सेस करेंगे एच टी टी पी के ज़रिए यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए रूट हमारा यूज़र है जो आपका इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने कॉन्फिगर किया उसके ज़रिए यूज़र नेम हमारा ऑलवेज रूट रहेगा और पासवर्ड जो आप इंस्टॉलेशन पे टाइम पे यूज़ करेंगे वो हमारा पासवर्ड है दिस इज आवर जी आई लुक ऑफ आवर ई एस एक्स आई होस्ट एट पॉइंट जीरो और यहाँ पे हम नेटवर्किंग के पैनल पे आ गए हैं क्योंकि लास्ट में हमने स्टोरेज की सारी डिस्कशन कर ली है अब आप देखिए नेटवर्किंग पे क्लिक करने के बाद आप देखिए पोर्ट ग्रुप वर्चुअल स्विचर्स फिजिकल एनआईसी वीएम कर्नल अडेप्टर या फिर टी सी पी आई पी स्टैक एंड फायरवॉल ये सभी ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं हम यहाँ पे वर्चुअल स्विच पे क्लिक करते हैं वर्चुअल स्विचेस पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक कर देंगे एंड ये वो लुक है जो हमने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है आप देखिए यहाँ पे फिजिकल एडेप्टर जिसको हमने अपलिंग के नाम से दिया है और ये वी नेटवर्क जो आपका पोर्ट ग्रुप कहलाता है जो वर्चुअल मशीन को कंटेन करेगा और ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क मैनेजमेंट नेटवर्क का काम क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स रहते हैं फीचर्स लाइक एज वी मोशन एक्टिवेट करना है आपको फॉल्ट फो, ऑलेंस एक्टिवेट करना है प्रोविजनल एक्टिवेट करना है तो आप मैनेजमेंट नेटवर्क पे जाएंगे चलिए ये हो गई स्विच की इन्फॉमेसन बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एक पोर्ट ग्रुप और तैयार करते हैं अभी करंट सिचुएशन में बात करें तो करंट टाइम पे अपने पास केवल दो पोर्ट ग्रुप हैं पहला है वीएम नेटवर्क और दूसरा है मैनेजमेंट नेटवर्क हम यहाँ पर एक और पोर्ट ग्रुप अटैच करते हैं पोर्ट ग्रुप वर्क जस्ट लाइक अ वी तो आप यहाँ पर पोर्ट ग्रुप ऐड करिए नाम दे देते हैं पोर्ट ग्रुप का लाइक like, हम यहाँ पे एक पोर्ट ग्रुप बनाना चाहते हैं विद नेम ऑफ एच आर और व्हील एन आई डी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं टू स्विच हमारे पास एक ही है तो स्विच जीरो पे ऐड कर लेते हैं अब पोर्ट ग्रुप ऐड करने का मतलब है कि आप एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट नेटवर्क असाइन करना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट तो आप पोर्ट ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस पोर्ट ग्रुप के अंदर हम वर्चुअल मशीन्स को ऐड कर देंगे एक बार स्विच को ओपन कर लेते हैं हाउ इट्स लुक लाइक जब आप पोर्ट ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ये कैसे लुक दिखाई पड़ेगा ये आपका पोर्ट ग्रुप हो गया वीर लाइन की आर डी टू बी एम नेटवर्क वी लाइन आर डी जीरो मैनेजमेंट नेटवर्क वी लैंड आर डी जीरो अगेन विंडोज सेवन यहाँ पर रन कर रहा है हम अगर चाहते हैं कि विंडोज सेवन को उठा करके अपने एच आर डिपार्टमेंट में जो हमारा पोर्ट ग्रुप है वो वहाँ पर ट्रांसफर करना है तो आपको वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ पर आना है ये विंडोज सेवन हमने क्रिएट किया था एक्शन पे जाएंगे एक्सन पे जाने के बाद एडिट सेटिंग पे जाएंगे एडिट सेटिंग पे जाने के बाद इट विल प्रोवाइड यू ऑप्शन जहाँ से आप नेटवर्क अडाप्टर की सेटिंग को चेंज करेंगे चलिए देखिए यहाँ पे नेटवर्क अडाप्टर है वीएम नेटवर्क से अटैच है इसको हमने एच पे कर दिया एच पे करने के बाद कॉन्फिग्रेशन को सेव कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन सेव होते ही आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है कहाँ पे एचआर के पोर्ट ग्रुप में सो so, अब देखिए यहाँ पे विंडोज सेवन एचआर पे सक्सेसफुली अवेलेबल हो चुके है तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे प्रॉपरली अभी के लिए हम इतना करते हैं नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करेंगे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द नेटवर्किंग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बढ़ाते हैं ताकि आपको भी सारी चीज़ें समझ में आएंगे प्लस हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही मैनवर्ट सा पे करके आप कंप्लीट कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं दिस इज़ आर एजेंडा सो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केयर बाय बाय